में नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 किस प्रकार जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में इस वर्ष आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है। तो देखिए, यदि वर्ष की शुरुआत हो रही हो और हमें पता चल जाए कि आने वाला नवीन वर्ष किस प्रकार रहने वाला है, तो हम अपने आप को व्यवस्थित करके, प्लानिंग करके आने वाले वर्ष के सभी महीनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और बड़ी सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो सके। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। इस भविष्य फल के दौरान हम सभी विषयों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, साल 2023 में आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी देंगे और अंत में हम आपको कुछ धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। धार्मिक उपायों के दौरान कुछ विशेष कमियों की भी जानकारी देंगे जो सिंह राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है, जिसको यदि आप साल 2023 से पहले दूर करते हैं तो स्थिति आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर बन सकती है। इस भविष्य फल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नया परिवर्तन और नई खुशियां लेकर जरूर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। भविष्य फल को बताने से पूर्व हम बात करते हैं सिंह राशि की, थोड़ा सा परिचय हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सूर्य से प्रभावित राशि होती है, अग्नि तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों में पराक्रम और निडरता की प्रधानता होती है। जातक काफी ज्यादा गर्मजोशी के साथ किसी कार्यों को करते हैं। सिंह राशि वाले जातक जीवन में उत्तरदायित्व को पूरा करने में सफल होते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए काफी मददगार साबित होते हैं, परिवार के लिए इनका व्यवहार काफी समर्पित होता है। सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में अपनी प्रगति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। घूमने फिरने की आदत होती है, जीवन को शाही अंदाज से जीने की आदत इनकी होती है। शाही सोचना, शाही रहना, शाही खाना पीना इनकी आदत है। जीवन में कठोर मेहनत करने वाले सिंह राशि वाले जातक होते हैं और विनम्रता इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल और विपरीत परिस्थिति में यदि फंस जाएं तो अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में पूर्ण रूपेण सक्षम होते हैं। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में इनको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो ये तो हमने सिंह राशि वाले जातकों से जुड़ी हुई कुछ आपको जानकारी दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए इस वर्ष ग्रही स्थितियां कैसी रहेगी, उसके पश्चात हम आपको भविष्य फल की जानकारी दे रहे हैं। सिंह राशि वाले जातकों, इस वर्ष आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव का जो परिवर्तन है 12 बार होगा। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वर्ष की शुरुआत में सूर्यदेव आपके राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, उसके पश्चात इनका गोचर अगली राशियों में होता रहेगा। साल 2023 में मंगल का 8 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। साल की शुरुआत में मंगल देव आपके राशि से दशम भाव में दिग्बली अवस्था में वक्री स्थितियों में रहने वाले हैं। शुक्र का 13 बार राशि परिवर्तन होगा और बुध का भी 13 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। मेजर ग्रहों की जानकारी दिया जाए तो 17 जनवरी 2023 को ही शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। साल की शुरुआत में ही शनि अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके राशि से सप्तम भाव में 17 जनवरी से पूरे वर्ष भर शनि का गोचर रहने वाला है।
देव गुरु बृहस्पति 1 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक की समयावधि में अपनी स्वराशि मीन राशि में रहेंगे। उसके पश्चात ये मेष राशि में चले जाएंगे और आपके राशि के भाग्य भाव में चले जाएंगे। इस वर्ष राहु और केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में रहेंगे, उसके पश्चात ये मीन राशि में चले जाएंगे और केतु साल की शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, उसके पश्चात ये कन्या राशि में वक्री चाल चलते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थितियों में परिवर्तन पूरे वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो वर्ष है ये केतु का वर्ष रहेगा, अंक शास्त्र के अनुसार ये केतु का वर्ष रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष किस प्रकार की सौगातें लेकर आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। कर्म क्षेत्र का विचार राशि के दशम भाव से करते हैं। इस वर्ष शनि देव आपके सप्तम भाव में मौजूद होकर पूरे वर्ष भर आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर दृष्टिपात करेंगे। साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव आपके राशि पर रहेगा। कर्म क्षेत्र के मामले में जो वर्ष की शुरुआत हो रही है वो आपके लिए काफी बेहतर होने वाली है। साल 2023 में सिंह राशि वाले जातकों को विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है और खुशियों से उम्मीदों से भरा हुआ ये वर्ष आपके लिए रहने वाला है। साल की शुरुआत से ही लेकर कर्म क्षेत्र में मेहनत की रफ्तार आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। आपका मनोबल और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। उसका कारण है कि जनवरी और फरवरी के महीने में मंगल आपके राशि से कर्म भाव में ही संचरण करने वाले हैं। यदि आपका व्यापार है तो व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण के साथ साथ बड़े सफलता की संभावना बनेगी। यदि आप प्रमोशन की संभावना को लेकर जीवन में चल रहे हैं उसमें भी आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में इस वर्ष सिंह राशि वाले जातकों को 15 मई से लेकर 15 जून तक की समयावधि में कर्म भाव पर आपके राशि के स्वामी सूर्य के अधिपति होने से इस एक महीने की समयावधि में विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। इस वर्ष देव गुरु बृहस्पति और राहु देव की उपस्थिति आपके राशि से नवम भाव में अप्रैल से लेकर जुलाई तक के समयावधि में ज्यादा बनने वाली है, जिससे सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी भी कर्म क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक के समयावधि में आपको कर्म क्षेत्र में विशेष परिवर्तन करने से बचना चाहिए और इस दौरान आपके राशि के स्वामी सूर्य की स्थितियां भी ज्यादा बेहतर नहीं है। तो यदि आप अपने जीवन में व्यापारिक जीवन में कोई बदलाव कर रहे हैं तो भी आपको सतर्क होकर करना चाहिए। इस वर्ष अगर आपको धन के लिए जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों राशि के दूसरे भाव पर देव गुरु बृहस्पति अप्रैल तक 22 अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टियां जा रही है और देव गुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह माने जाते हैं और आपके राशि के लाभ भाव पर भी शुभ प्रभाव बना हुआ है। आर्थिक जीवन के मामले में पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसमें आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से उन्नति करने में काफी ज्यादा सफल रहने वाले हैं। सबसे बेहतर समय आपके लिए धन के मामले में 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का समय बेहतर रहने वाला है। इसमें आपको जीवन में बेहतरीन सफलता देखने के लिए मिल सकती है। साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक की समयावधि में सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। यानी यदि आप कोई भवन वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। साल के इन 4 महीनों में आपके जीवन में धन के व्यय की भी विशेष संभावना बनने वाली है। आपके एकादश भाव पर साल की शुरुआत में ही सूर्य की दृष्टियां जाने वाली है, जिसकी वजह से आर्थिक जीवन में उन्नति आपको होने वाली है। इस वर्ष अगर आपकी राशि के लिए सावधानी पूर्वक चलने की अगर बात की जाए, 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक शेयर सट्टा लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए जो यह समय रहेगा
ये वर्ष रहेगा काफी बेहतर रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर ऐसे जातक जो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष काफी ज्यादा सफलताओं से भरा हुआ रहने वाला है। इसमें आपको जीवन में मेहनत कम करने के बावजूद भी कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिल सकती है। वैसे 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक की समयावधि में सूर्य की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से इस एक महीने की समयावधि में किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप सम्मिलित होते हैं तो सफलता की विशेष संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा के मामले में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अब यदि आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में आपके राशि के लिए अक्टूबर तक की समयावधि में राहु देव आपकी राशि के नवम भाव पर मौजूद होकर अपने सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव पंचम भाव को देखेंगे, प्रेम भाव को देखेंगे। तो देखिए, प्रेम जीवन में आपको ज्यादा किसी प्रकार की अनुकूल स्थितियां दिखाई नहीं दे रही है। नवीन वर्ष 2023 में प्रेम संबंधों में आपको उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी अप्रैल तक आपके राशि से अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति भी आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। जनवरी फरवरी के महीने में प्रेम संबंधों के मामले में आपके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इस वर्ष अगर वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। 17 जनवरी से ही पूरे वर्ष भर शनि आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए कई प्रकार के अवसर इस वर्ष आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि आप अपने आवेग और वाणी पर संयम बनाकर चलते हैं, रिश्तों में काफी ज्यादा पारदर्शिता का भाव लेकर इस वर्ष चलते हैं, तो जीवन साथी का आपको भरपूर साथ और सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे, पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस दौरान जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंताएं भी हो सकती है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की समयावधि में देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके राशि से नवम भाव पर मौजूद होंगे। एक दूसरे के बीच में यदि वैवाहिक संबंधों में है तो नीरसता का भाव उत्पन्न हो सकता है, इस दौरान आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। सिंह राशि के लिए पारिवारिक जीवन की जानकारी अगर दिया जाए, पूरे वर्ष भर देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में शुभ स्थितियों में रहेंगे। पारिवारिक जीवन का इस वर्ष आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत में ही बेहतर स्थितियां जीवन में निकलती हुई सामने आ रही है। सूर्य देव आपके राशि से त्रिकोण भाव और पंचम भाव पर मौजूद रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं प्राप्त होने वाली है। खुशियों में बढ़ोतरी होगी, नए मेहमान के आगमन की संभावना बनने वाली है। इस वर्ष ऐसे सिंह राशि के जातक जो अविवाहित हैं, उनके लिए अप्रैल के पश्चात 22 अप्रैल के पश्चात विवाह के प्रस्ताव भी आते हुए दिखाई देने वाले हैं। विवाह की संभावना भी बन सकती है। यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, साल 2023 में सेहत के मामले में जो आपके लिए स्थितियां हैं, क्योंकि शनि आपके राशि के सप्तम भाव पर मौजूद होकर पूरे वर्ष भर आपके लगन को देखेंगे और अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति आपके राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, तो देखिए अप्रैल तक 22 अप्रैल तक सेहत के मामले में आपको कुछ ज्यादा ही सावधानी रखनी चाहिए। इसमें आपको पेट जनित समस्याएं, मानसिक विकार, तनाव, अवसाद की समस्याएं परेशान कर सकती है। गुरु के अष्टम भाव पर गोचर करने से आपको कुछ गुप्तांगों में भी समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए जीवन में संतुलित खान पान की आदत और नियमित व्यायाम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से अपने आप को दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्ष भर शनि महाराज आपके राशि के लगन को देखेंगे, जिससे आपके जीवन में एक विशेष घबराहट का भाव भी रहेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर कभी कभी उत्साह और कभी कभी लापरवाही दिखाई देगी, तो किसी भी कार्य व्यवसाय की बातों को लेकर अपने मन में व्यर्थ के तनाव को निर्मित करने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए।
तो बेहतर स्थितियां आपके लिए बन सकती है। अगर आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले कुछ विशेष कमियों की जानकारी आपको दे रहे हैं जो सिंह राशि वाले जातकों में हमने देखी है। सबसे पहली कमी है इनका क्रोधी स्वभाव। जी हाँ, क्रोध के वशीभूत होकर सिंह राशि वाले जातक अपने पारिवारिक जीवन में और कर्म क्षेत्र में भी कई प्रकार की प्रतिकूलताओं का निर्माण कर लेते हैं। छोटी छोटी बात पर नाराज होना इनको जीवन में कई प्रकार की समस्याएं देता है। यदि आप साल 2023 में बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो क्रोध को एक सही दिशा देना प्रारंभ करिए, इससे आपको जीवन में बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी कमी हमने सिंह राशि में पाई है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस की प्रधानता भी सिंह राशि वाले जातकों में काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में अपने मन की सुनते हैं और कभी कभी मनमौजी भी हो जाते हैं। इसकी वजह से भी सिंह राशि वाले जातक कभी कभी गलत लक्ष्य में संलग्न होकर कार्यों को करने लगते हैं। तो यदि आप साल 2023 में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्ति या अनुभवी व्यक्तियों की बातों को मानना आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरी कमी हमने पाई है, भावुकता के आवेश में आकर ये जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेते रहते हैं। जी हाँ, भावना प्रधान राशि होने की वजह से सिंह राशि के जातक जहां एक और दूसरे व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा हेल्पिंग हो जाते हैं, वहीं भावना के वशीभूत होकर ये गलत निर्णयों में भी संलग्न होते हैं। चतुर्थ कमी हमने पाई है, सिंह राशि वाले जातकों में विशेष तौर से आलस्य की प्रधानता काफी ज्यादा होती है कि कुछ समय के लिए जुनून पूर्वक कार्यों को करते हैं और कुछ समय के उपरांत इनके अंदर मनोबल की कमी दिखाई देती है। मौज मस्ती और घूमने फिरने की वजह से ये जीवन में समय प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए यदि समय प्रबंधन या समय को बर्बाद करने की आदत आपके अंदर मौजूद है तो यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है। इसको सुधार यदि आप करते हैं तो बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। इन चारों कमियों पर कार्य करना सिंह राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहला, पूरे वर्ष भर शनि आपके लगन भाव को देखेंगे, मेडिटेशन करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सिंह राशि के प्रत्येक जातक एकांत में जाकर अपने आप के लिए कुछ समय निकालें और ध्यान जरूर करें, इससे आप अपने आप के गुणों और अवगुणों के ऊपर काफी ज्यादा अवलोकन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपके मन में काफी एकाग्रता उत्पन्न होगी और किसी भी फील्ड में यदि आप संलग्न होंगे उसमें आप एक बेहतरीन सफलता अर्जित कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बेहतर है और वर्ष भर सूर्य को जल अर्घ देने से भी आपको लाभ होगा। सिंह राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, यदि संभव हो तो एक उत्तम क्वालिटी का माणिक्य धारण करना आपके लिए बेहतर रहेगा, इससे आपके जीवन में सूर्य की स्थितियां काफी बेहतर रहेंगी। उसके साथ साथ अप्रैल तक की समयावधि में पीली चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर है, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीले वस्त्र, इन चीजों का दान यदि आप करते हैं तो आपके लिए बेहतर स्थितियां सेहत के मामले में बनेंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से अष्टम भाव पर मौजूद हैं तो गुरु से जुड़ी हुई चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आप वर्ष को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाकर चले, माता पिता के अनुभवों को लेने का प्रयास करें, उनके आशीर्वाद को जीवन में लेने का प्रयास करें तो यह वर्ष आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।